हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं शाम के 6 बजे अपने गार्डन में आई हूँ। सुबह आई थी फ्रेंड्स काम करने के लिए, पर धूप के कारण मैं काम नहीं किए। आज पानी भी नहीं दी फ्रेंड्स, क्योंकि 9 बजे के करीब आई थी, इतनी तेज़ धूप हो गई थी। तो धूप में काम करने से फ्रेंड्स सर में दर्द होने लगता है, तो धूप बहुत तेज़ होने लगी है। देखिए कैलेडियम के इसमें बल्ब लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, तो मैं इसे ही निकाल के देखना चाहती थी कि ये सही है या नहीं, और खाद भी दे दूंगी, पर मैं काम नहीं की, छोड़ के चली गई। और देखिए ये सब पौधा ठीक ठाक चल रहा है फ्रेंड्स, आज पानी भी नहीं दी हूँ। तो जो बड़े बड़े से ग्रो बैग में है वो सब तो ठीक है, छोटे छोटे पॉट में फ्रेंड्स रोज़ पानी देना पड़ता है। और देखिए जाफरी गेंदे में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए पीले में सिंगल में ही है फ्रेंड्स, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूरी करना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। अगर आप ये फ्रेंड्स वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो करना। तो देखिए आज मैं सीड ग्रो कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो उस दिन जो नर्सरी से सीड लेके आई थी तो उसे ही आज मैं ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वो सीड नहीं उग पाएगा। और देखिए कैलेंडुला में कितने बड़े साइज़ के फूल आए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ भी जाफरी का है, और यहाँ देखिए गजानिया में। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो अब बंद होने पे है फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना ये विंटर के फूल, सब अभी भी खिल रहा है फ्रेंड्स। अभी तक ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, पर 2 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो जाते हैं 9 बजे के बाद। सुबह बारिश का टाइम था, पर तो जैसे ही 9 बजे तो उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो गई। और ये देखिए गुलदाबदी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पॉट हैं जिसमें मैं पानी डाल दी थी मिट्टी में, और अच्छे से सूख गया है, तो ये काफ़ी दिनों से इसे रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आज मैं इसी में बीज ग्रो करूँगी। तो देखिए मैं अभी मिट्टी को छानूंगी नहीं फ्रेंड्स, तो इसी में से जो ऊपर ऊपर से जो है उस सबको हटा देती हूँ, और नीचे जो भुरभुरी वाली मिट्टी है उसी में मैं आज ब्रीज जितने भी लेके आई थी तो उसे ग्रो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्मी के कारण बीज ग्रो नहीं हो पाते, उग पाते हैं फ्रेंड्स। और उगते भी है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए टाइम से ही इसे ग्रो कर लेना चाहिए। तो मैं अभी सारा बीज नहीं ग्रो कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही। तो देखिए सारे पॉट में से मैं ऊपर वाले जो ये मोटे मोटे मिट्टी सब है तो उसे हटा लेती हूँ, और नीचे के भुरभुरी मिट्टी में मैं बीज ग्रो करूँगी। वैसे तो ज़्यादातर फ्रेंड्स मैं मिट्टी को छान लेती हूँ, पर अभी मिट्टी मैं छानूँगी नहीं। और फ्रेंड्स ये गार्डन की ही मिट्टी है, अच्छे से धूप लग गई है, और इसमें पहले पौधा लगा हुआ था तो धूप लगा देते हैं तो मिट्टी अच्छी बन जाती है फ्रेंड्स। अभी कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह मैं इसमें नहीं दे रही हूँ। तो देखिए सारे में से मैं ऊपर से मिट्टी निकाल ली हूँ, और ये कुछ सीडलिंग है फ्रेंड्स जो उस दिन मैं 20-20 रुपये का ये पैकेट दिया था। तो देखती हूँ ग्रो करके, मैं पहली बार लेके आई हूँ तो मुझे ये अच्छे से उग जाएगा, सही लगेगा, तो मैं फिर जाऊंगी उधर तो लेके आऊंगी फ्रेंड्स। क्योंकि बीज से ग्रो करने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे पौधे उगाते हैं, और हम पौधे ख़रीदते हैं तो ये पौधा सब अगर हम लेंगे फ्रेंड्स तो 30-40 से कम में नहीं देगा, और 20-20 का ये पैकेट दिया है, तो अगर ये सही निकला तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे पौधे हो जाएंगे उतने में ही। तो देखिए मैं फिर सनफ्लावर का निकाली हूँ, तो मैं अभी 5 से 6 बीज सनफ्लावर का दूंगी फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे बीज है, 20 बीज इस पे लिखा हुआ है तो 20 ही होगा। तो देखिए छोटे छोटे मिट्टी के पॉट लिए हैं, 5-6 इंच का ये पॉट होगा फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे ही मिट्टी में फ्रेंड्स बीज डाल रही हूँ। वैसे बीज हमेशा कोकोपीट में ही उगाना चाहिए, उससे का अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर मैं इसी में उगाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये किचन वेस्ट सब जो हम मिलाते हैं तो मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बन जाती है। चाय पत्ती जो हम डालते हैं फ्रेंड्स यूज किया हुआ, तो उस सबसे मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। और ये देखिए जिनिया का है, तो मैं सारे बीज फ्रेंड्स ग्रो कर लेती हूँ। और देखिए मैं पिटूनिया का भी बीज ऐसे ही मिट्टी बना के फ्रेंड्स
उगाई थी, पर बहुत ही अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला था। और जितने भी कैलेंडुला सब का दिखाई हूँ तो वो सारे बीज से ही तैयार पौधा है फ्रेंड्स। अपिटोनिया का बीज कितना छोटा छोटा होता है, तो आप सबको जो गार्डनिंग करते हैं तो उन सबको पता ही होगा फ्रेंड्स। पर वो भी उगाए थे, तो उसके लिए मैं मिट्टी को छान लेती हूँ, यही सिंपल ही मिट्टी रहता है। तो देखिए सारे में मैं डालती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा हल्दी अब इस सब के दे देती हूँ फ्रेंड्स। पहले ही हमें मिला लेना चाहिए था, पर मैं उस टाइम भूल गई फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ। तो कोई नहीं, मैं ये पानी डालूँगी तो पूरे में मिल जाएगा अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा मिल हल्दी दे दी हूँ, तो जिससे कि हमारे बीज अच्छे से उगाए। और हल्दी में काली मिर्च और लौंग मिला के पीस के रखी हूँ फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये देखिए ऊपर से ढकने के लिए मैं जो ये खाद मैं कल दी थी पौधे सबको, वहीं ऊपर से दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा देर तक बना रहेगा फ्रेंड्स, जल्दी ऊपर का मिट्टी ड्राई नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास कोको पीट नहीं है, नहीं तो इस जगह पे आप को सिंपल कोको पीट का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। और इसमें भी फ्रेंड्स नारियल के जितने भी जटाएँ आते हैं तो वो भी दिया हुआ है, तो सारे कुछ रहते हैं। तो ये मैं इसी सब से फ्रेंड्स काम चलाती हूँ, तो मैं गार्डनिंग में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ। तो देखिए स्प्रे बोतल अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं हाथ से ही ऊपर ऊपर से पानी डाल रही हूँ। तो ये इसको अब यहाँ पे साइड में रख दी हूँ और ऊपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है, हवा भी बहुत तेज़ रहती है फ्रेंड्स, तो जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो मॉइस्चर बना रहेगा तो जल्दी से बीज उगाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे पास ये एक है, तो इससे मैं ऊपर से ढक देती हूँ, या अगर बारिश वारिश भी हुई तो ऊपर से पानी इसमें नहीं जाएगा और हमारा बीज अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बीज उगाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो भी अपडेट रहेगा मैं आने वाले टाइम में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो मुझे कितनी सफलता मिलती है। और देखिए इधर सारे पौधे ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना और मेरे पेज को लाइक करना। पेज का नाम है एंडी लवली गार्डन और मेरा प्रोफाइल है बबली झा। तो फ्रेंड्स मैं दोनों पे वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। आप सबके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फ्रेंड्स।